महाराज, और वो छठ भी कोई साधारण नहीं। जिस छठ माता का स्मरण स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने किया, जिस छठी माता को स्वयं कार्तिकेय जी को दिया गया, पूरा विश्व, हमारे बिहार साइड के जितने भगत लोग होते हैं, आज से व्रत का क्रम प्रारंभ कर देते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोस। 36 घंटे का ये व्रत रहता है छठ का। स्नान, खाना, दूसरे दिन फिर वही क्रम में पूजन की तैयारी, भूखे रहना, सूर्य को अर्घ देना, उगते को, डूबते को, और मां छठी का स्मरण करना। और ये कोई साधारण सा महीना नहीं है कार्तिक का महीना। जिस कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी का स्मरण कर रहे हैं, कार्तिक के महीने में गणेश का स्मरण कर रहे हैं, माता सरस्वती का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं, ये वही कार्तिक का महीना है जिसमें भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का मिलन हुआ था। अभी जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उसके एक दिन तेरे हरिहर मिलन आता, वैकुंठ चतुर्दशी। जिस दिन भगवान कृष्ण को, नारायण को, ठाकुर को बेलपत्र चढ़ती है, और भगवान भोले बाबा को, भगवान शिव को तुलसी का दल चढ़ता है, दोनों का मिलन हुआ था हरिहर मिलन, वैकुंठ चतुर्दशी। और हमारे शिव महापुराण में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि संपूर्ण समय में, पूरे वर्ष भर में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान शंकर पर तुलसी का दल चढ़ता है, और संपूर्ण समय में एक दिन ऐसा होता है जब ठाकुर जी पर बिलपत्र समर्पित होती है। शास्त्र तो कहता है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है कि ठाकुर जी को तो बिलपत्र आप अगर पूजन कर रहे हो तो रोज समर्पित कर भी सकते हो, पर शंकर भगवान को, भोलेनाथ को, मेरे विश्वनाथ को तुलसी का दल साल भर में समर्पित नहीं होता, केवल एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है। और उस बेलपत्र की भी बड़ी महत्वता है। और कार्तिक के महीने में अपन जब कथा श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, और मौका मिला है कार्तिक महत्तम को श्रवण करने का, तो एक एक महत्व को अपन समझ। उत्तर भारत के जो लोग हैं ये पूजन करते हैं दीपावली के बाद में छठ की पूजन, छठी। बिहार साइड में, यूपी साइड में, इधर सबसे ज्यादा पूजन होती है छठ की। कौन सी माता है ये छठ? है कौन सी माता छठ? जितने लोग पूजन कर रहे हैं उनको भी ज्ञात नहीं है कि ये छठ की पूजन होती क्यों है, ये माता है कौन सी। ये छठ माता कोई दूसरी नहीं है, कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना है जिसकी पूजन होती है छठी के रूप में। उगता सूरज और डूबता सूरज का अर्घ होता है। सबसे पहली छठ पूजन किसने करी थी? भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने करी थी, सांब पुराण कहती है। सबसे पहली छठ पूजन, क्योंकि सांब का शरीर बेकार हो गया था, भगवान कृष्ण की शरण में सांब पड़ गया, पिताजी आपने मुझे श्राप दिया है, क्योंकि गलत भाव हो गया था, गलत दृष्टि हो गई। भगवान कृष्ण के पास में जामंती जी बैठी हुई थी, तो सामने आकर कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, क्षमा कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करी तो सूर्य कहते हैं, तुम इंद्र की पुत्री देवसेना की आराधना करो। और कार्तिकेय जी महाराज की धर्म पत्नी देवसेना की जब आराधना सांब ने करना प्रारंभ करी, सूर्य को, उगते को और डूबते को जब नमन करना प्रारंभ करा, अर्घ देना प्रारंभ करा, जल में खड़े होकर
शाम तप साधना में डूबा रहता, सूर्य का स्मरण करता, देवसेना का स्मरण करता, तो देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने कहा, मैं भगवान की छठी कला हूं, मैं भगवान देवताओं की छठी कला हूं, इसलिए जगत में मैं छठी के नाम से पूजी जाऊंगी। और सुन ए शाम, तूने मेरी आराधना करी है, मृत्यु लोक में जो मेरी आराधना करेगा वो जगत का सारा सुख भोगेगा, और तू भी चिंता मत करना, तू भी सर्व सुख भोगेगा। अब देखिएगा महाराज, शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन कर रही है कि एक लोटा पानी का फल क्या है। माताओं जरा आप ध्यान दीजिएगा, कई कई लोग कहते हैं गुरुजी आप पुरुषों को तो कहते ही नहीं हो कि एक लोटा पानी चढ़ाओ, कि पुरुष लोग मंदिर जाएं, कि पुरुष लोग भगवान शंकर का आराधना करें, पूजा करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा कि माताओं आप जल चढ़ाओ, कि पुरुष आप जल चढ़ाओ। हम तो निवेदन सबके लिए करते हैं कि आप सब मिलकर, गला पकड़ रहा है बाबू, आप सब मिलकर आप शिव की आराधना करिए, आप सब मिलकर भगवान शंकर का आराधना करें। एक लोटा पानी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवान हो, चाहे बड़े हो, वो जल शिव को समर्पित करें, शंकर को जल समर्पित करो, शंकर को जल चढ़ाइए। उसका फल क्या है महाराज? शिव जी की कुछ चीजें बड़ी प्रिय है, एक भस्म का त्रिपुंड, एक गले में रुद्राक्ष की जम के बोलिए माला, और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं भी हो तो एक रुद्राक्ष आपके गले में हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, और मुख पर या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र आप उसका